खबर भरतपुर से है, जहां ब्रज क्षेत्र होने के चलते गोवर्धन से ही अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसके चलते विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी के चलते खेड़नी घाट स्थित अग्रवाल भवन पर अग्रवाल समाज की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। पर महादेव के मंदिर में वर्षों से अन्नकूट प्रसाद का महोत्सव होता चला आ रहा है और यहाँ सभी भरतपुर के जो वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो सभी भगवान का दर्शन करते हैं और छप्पन भोग, कड़ी, चावल, बाजरा, जो अन्नकूट का प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। इससे तन और मन, धन तीनों में